तो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं शिवपुरी में, सुनिए। जी पूर्व विधायक बहन शकुंतला खटीक जी, पूर्व प्रत्याशी राजकुमार खटीक जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान रमेश खटीक जी, जोर से ताली बजाओ रमेश जी के लिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले बगीचा वाले हनुमान जी, लोढ़ी मैया, राजेश्वर मंदिर और बलारपुर देवी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत मैं करना चाहता हूं। मित्रों, ये स्थान है जहां महान स्वतंत्र सेनानी तात्या टोपे को यही क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों ने फांसी लगाई थी, फांसी लगाई थी। मगर अंग्रेज मानते थे कि तात्या टोपे को फांसी लगाकर उनके खिलाफ आंदोलन समाप्त हो जाएगा, परंतु 1857 में जो लॉ तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई ने जलाई थी वो आजादी का एक विस्फोट बनकर निकली और देश को आजादी मिली। आज इस भूमि पर मैं तात्या टोपे को मन से प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज आजाद हिंद फौज के कर्नल गुरुबख्श सिंह का भी यहीं से, कर्नल गुरुबख्श सिंह गए, उनको भी सम्मानपूर्वक याद करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव है। भैया बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। ओ काले शर्ट वाले भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, ऐसे नहीं होता है। मध्य प्रदेश में आप भी बैठ जाओ, ग्रीन टोपी, और आप भी बैठ जाइए, सेट करके बैठ जाओ जरा। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में करेरा के मेरे भाइयों बहनों को एक वोट देना। वोट देते वक्त ऐसा मत सोचिएगा कि आप रमेश खटीक को प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए वोट दे, ऐसा मत सोचिए। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, ये मत देखना। आप वोट देते वक्त ये देखना कि बीमारू राज्य में से बेमिसाल राज्य जिसने बनाया वो डबल इंजन सरकार को चालू रखने के लिए वोट। आपका एक वोट ये सुनिश्चित करेगा कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी या भाजपा, एक और कांग्रेस की सरकार जिसमें कई सालों तक अंधेरे में रखा मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 18 साल में किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, युवा, हरेक के कल्याण के लिए काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, 18 साल हो गए, सबको याद नहीं होगा, 18 साल पहले बंटा धार की सरकार थी तब हर गांव में बिजली आती थी क्या? रोडों की स्थिति ऐसी थी क्या? सिंचाई की व्यवस्था हुई थी क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन मिला अपने घर भरने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम।
मैं आज यहां से कमलनाथ को कहने आया हूं, जरा भी हिम्मत है तो मेरी बातों का जवाब देना। आप जब 2002 में मध्य प्रदेश छोड़कर गए तब मध्य प्रदेश में बजट की साइज सिर्फ 23,000 करोड़ थी। आज 2023 में भाजपा के 18 साल में 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट विकास का बना है। माताओं भाइयों बहनों, एससी और ओबीसी के लिए 1,000 करोड़ का बजट कांग्रेस का था। कितने रुपयों का था, जोर से बोलो कितने का? 1,000 करोड़ के बजट को हमने बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपया तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उद्योगों की बात करें तो साल में सिर्फ 4,000 एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होते थे, आज 4,000 की जगह 3,62,000 एमएसएमई बनते हैं। सड़क सिर्फ 60,000 किलोमीटर थी, आज 18 साल के शासन के बाद 60,000 से बढ़कर 5,10,000 किलोमीटर सड़क मध्य प्रदेश में बनी है। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी सिर्फ 4.5 लाख टन बनता धार करते थे, 4.5 लाख टन से बताकर हमारे शिवराज जी ने 71 लाख मैट्रिक टन गेहूं एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। और मेडिकल सीटें 620 थी, इसको 4,000 तक बढ़ाया। आईआईटी 150 थे, आज 1,000 आईआईटी है। और पर्यटक मध्य प्रदेश में 64 लाख आते थे, अब देश भर से 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं। ये पूरा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, या चाहे लाडली लक्ष्मी प्राप्त करने वाली मेरी मध्य प्रदेश की बहनें हो, सबके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है, आज अंबेडकर जी का फोटो लगाकर घूमते हैं। अंबेडकर जी का जीवन भर अपमान अगर किसी एक पार्टी ने किया है तो एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने अंबेडकर जी को जब तक उनकी सरकारें रही भारत रत्न नहीं देने दिया। अंबेडकर जी को संसद में ना आए इसके लिए हमेशा षड्यंत्र किया। और भारतीय जनता पार्टी ने मऊ में शिक्षा भूमि बनाया, लंदन में जहां ठहरे थे वहां स्मारक बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाया, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अलीपुर में भी स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हमें जब मौका मिला तब दलित घर के गरीब बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसका परिणाम देखिए, देश भर में सीधा आपके लिए चलते हैं दिल्ली के मुख्य